दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे जैसे हम कभी कार में या कहीं पे जा रहे हैं तो हमें दूर मतलब तकरीबन 50, 100, 150 मीटर की दूरी पे ऐसे पानी का एक जो वाटर बॉडी बना हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही हम धीरे धीरे पास में जा रहे होते हैं तो लेयर बाय लेयर वो पानी की लेयर एक तरह से आगे बढ़ रही होती है और वो उस जगह पे खाली हो रहा होता है, तो एक तरह का वो इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। तो क्यों होता है, जिसकी वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब 40-45 डिग्री एकदम अच्छा खासा टेम्परेचर हो रखा है, खासतौर से रेगिस्तान वाले इलाकों में ज्यादा ही हो जाता है, तो वहां पे जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और रोड पे चलने की वजह से मतलब सूर्य जो है वो तो अपनी रोशनी दे ही रहा है, लाइट दे ही रहा है, और बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा होता है उस समय, तो वो और भी जगह पे टकरा रही है, पेड़ वेड़ अलग अलग जगह पे, लेकिन रोड पे भी टकरा रही होती है। अब वहां पे क्या होगा कि जब वो रोड पे टकराती है तो वो रोड एक तरह से काले होने की वजह से और उसमें हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी होने की वजह से वो काफी गर्म हो जाएगी, और रोड जैसे ही गर्म हुई तो उससे रिलेटेड वहां की जो भी आजू बाजू हवा होगी वो हवा एक तरह से उसके कनेक्शन में आएगी और वो हवा भी जो है एकदम गर्म हो जाएगी उधर उस मतलब उस पर्टिकुलरली लोकली लोकेशन पे। मान के चलिए जैसे 1-2 सेंटीमीटर ऊपर आप मान के चलो गर्म होगी, लेकिन जैसे 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 हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, अगर हवा का तल ऊपर बढ़ता जाएगा तो वैसे 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 वो ठंडी होती जाएगी। यानी 1 सेंटीमीटर पे मान लीजिए कि हवा का जो टेम्परेचर होगा 40 डिग्री होगा, दो अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर जाए तो हो सकता है 38 हो, फिर अगर मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर ऊपर जाए तो हो सकता है कि वो 35 डिग्री एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तरह से टेम्परेचर में डिफरेंस आ रखा होता है, यानी एक तरह से मल्टीपल एक तरह से लेयर बन गई जिनका टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। तो अगर लाइट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये जितने सारे जो एक तरह से लेयर बन गई हैं वो एक अलग अलग लाइट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मीडियम बन गए हैं, जिससे लाइट को पास होना है जो कि सूरज से आ रही है। अब उस केस में क्या होता है कि वहां पे जैसे जो सबसे नीचे जो धरातल पे जो कनेक्टेड है यानी जो रोड से कनेक्टेड है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो वो गर्म होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से रेयरर मीडियम हम उसे बोल सकते हैं, यानी उसके अंदर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी, और जो सबसे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एक तरह से उसमें डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो वो मीडियम एक तरह से ऊपर वाला डेंसर हो गया, नीचे वाला जो है रेयरर मीडियम हम बोल सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है या कैसे एक तरह से हवाओं का इस तरह से वो चेंजेस हो जाता है डेंसिटी वगैरह के अंदर, उसके बारे में डिटेल में वीडियो एक तरह से वो पहले बना रखा है कि हवाएं कैसे बनती है वो आप जाके देख सकते हैं। अब होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ही लाइट के अंदर लाइट जैसे ही स्ट्राइक करेगी ऊपर से सूरज से आती है, तो जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में बात की थी कि रिफ्रेक्शन के अंदर जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जैसे ही लाइट का जो मीडियम चेंज होता है तो एक फिनोमिना होता है जिसे बोलते हैं रिफ्रेक्शन, और वो बेंडिंग ऑफ लाइट कॉज करता है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही होगी, यानी कि जैसे एक तरह से मान लो 20 सेंटीमीटर ऊपर से जैसे जैसे धरातल के ऊपर आ रही होगी, तो वैसे वैसे जो है वो एक तरह से डेंसर टू रेयरर मीडियम में आ रही है, और वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में आते हुए रिफ्रेक्ट होते 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 इतना रिफ्रेक्ट हो जाएगी कि एक क्रिटिकल एंगल को पार कर लेगी, और उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम का एक फिनोमेना होता है उसको फॉलो करते हुए वो बिल्कुल मतलब धरातल से एक तरह से आते आते टोटली एक तरह से इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी और आपकी आंखों में जाके स्ट्राइक करेगी। तो जब हम सड़क पे देखते हैं तो वो हमें जो इमेज क्रिएट होती है वो लगता है वो वहीं पे है, लेकिन अभी अभी जो मैंने बात की वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि एक तरह से लाइट जो है वहां पे टच भी नहीं की है और वो सीधा आपकी आंखों में आ गई है, तो वो बेसिकली आ रही है एक तरह से स्काई में जो कलर होता है जो कि आपको पता ही है कि ब्लू कलर का होता है, और एक्चुअल में वाटर भी जो है थोड़ा उसी कलर का हमें दिखाई देता है, तो वो एक तरह से इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो एक तरह से रोड के ऊपर पानी पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो स्काई का ही एक इमेज है जो कि ब्लू होने की वजह से, और स्काई भी क्यों ब्लू होता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो स्काई के एक तरह से ब्लू होने की इमेज जो है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपकी आंखों में स्ट्राइक करता है, और आपको ऐसा फील होता है कि बेसिकली वहां पे पानी पड़ा है, पर एक्चुअल में वहां पे कोई पानी नहीं होता है, वो बेसिकली स्काई की ही एक इमेज है जो कि आपको आंखों में सीधा दिख रहा है, यानी एक्चुअल में आप एक तरह से स्काई को ऐसे कह सकते हैं कि धरातल पे देख रहे हो, जमीन पे देख रहे हो, और उसकी वजह से आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वो एक तरह से वापस हटता जाता है, और ऐसा जैसे बोला जाता है कि जैसे मृग तृष्णा जिसे बोला जाता है कि एक हिरण जो होता है अक्सर भागता रहता है कि वहां पानी है आगे पानी है पानी के लिए भागता ही रहता है, लेकिन एक दिन वो प्यास से मर जाता है और उसे पानी मिलता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसे पता नहीं होता है कि ये बेसिकली रिफ्रेक्ट होके फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके उसकी आंखों के अंदर जो इंटरप्रिटेशन बन रही है वो एक तरह का इल्यूजन है, वहां पे कोई पानी नहीं है।
फिलोसॉफिकल लेवल पे एंड अगर करूँ तो हमारे ह्यूमन के लिए भी यही बोला जाता है कि ह्यूमन की भी जो इच्छाएं हैं वो भी मृग तृष्णा जैसी, एक इच्छा पूरी होती है फिर लगता है खुशी मिलेगी, फिर दूसरी इच्छा के लिए, फिर तीसरी इच्छा के लिए, और जिंदगी भर भागता रहता है। तो ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से तरीके से लिखा है। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, लेकिन एनीवे दैट इज द रीजन जिस वजह से मतलब एक तरह से ये सब फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।